सी बात है, पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या पीएसएल क्रिकेट हो, एक आपको एक ऐसी चीज़ मिलती है कि जिसमें आप प्लेयर्स को देख सकते हो, प्लेयर्स परफॉर्मेंस कर सकते हैं, प्लेयर्स प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम दुबई में खेलते हैं तो वहाँ खाली स्टेडियम होते हैं तो इतना प्रेशर आप पे नहीं आता, क्योंकि क्राउड का प्रेशर बहुत मैटर करता है। जब आप क्राउड के सामने कोई मैच जितवाते हो तो उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से पीएसएल में, पाकिस्तान में पीएसएल आ रही है, इससे अच्छी कोई भी ना फैंस के लिए ना प्लेयर्स के लिए भी कोई बात नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से हम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और जितने भी सारे प्लेयर्स हैं उनको मैं गुड लक कहता हूँ, और अल्लाह करे कि पीएसएल एक अच्छे तरीके से और जिस तरह हमेशा पीएसएल का इख्तिताम होता है और शुरू होती है वैसे ही इस दफ़ा हो। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में क्रिकेट आना, इससे अच्छी बात और कोई नहीं। हमारे अपने लोग आएंगे, देखेंगे बाद पूरा पाकिस्तान को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को, पूरी फ्रेंचाइज को, जो जो प्लेयर उनके आए हैं। पहले फाइनल मैंने पहले मेंशन किया था कि पेशावर जलमी का बहुत बड़ा रोल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाने के, पीएसएल वापस लाने के। डैरन समी जैसे, मालवन जैसे, मिलान जैसे प्लेयर्स, क्रिस जॉर्डन जैसे प्लेयर्स आए थे पाकिस्तान, तो बड़ी खुशी की बात थी। तो फाइनली टेस्ट क्रिकेट भी वापस आई है 10-11 साल के बाद। तो पीएसएल पूरा होना मेरे ख्याल से एक ख्वाब था जो अल्लाह ने पूरा करवाया, और इंशाल्लाह इसको कामयाब भी करेंगे। और बड़ी खुशी है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। हमारे जो स्टेडियम बंद पड़े हुए थे, सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत कम उन स्टेडियम्स में होती थी, अब पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट होगी तो बड़ा ज़रूरी था इस वक्त पाकिस्तान को। तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को होगा और यंगस्टर्स को होगा जो एक दूर होते जा रहे थे क्रिकेट से। तो मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट, होम सीरीज़, होम क्रिकेट जो भी हो, इसका फ़ायदा हमारे पाकिस्तान को, हमारे बच्चों को होगा। ठीक है, थैंक यू।